एक्शन लेके आया हूं। इसमें क्या है, ठीक है, आप पार्टिकल मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पास। क्या लिखा हुआ, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हैज वेलोसिटी v1 एंड v2 एट ए एंड बी पॉइंट पे, राइट। इस पर भी इफ सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी then determine the velocity of the particle। देखिए एक पार्टिकल है, एक इन ए है एक इन बी है, यहाँ की वेलोसिटी v1 है यहाँ की वेलोसिटी v2 है, कह रहा फाइंड वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट, है ना, ए एंड बी का जो मिड पॉइंट है वहां वेलोसिटी क्या होगा ये डिटरमाइन अपने को करना है। देखिए गाइस इसके लिए क्या करेंगे, हमने कंसीडर कर लिया ये जो ए पॉइंट है यहाँ का वेलोसिटी कितना है v1, बी पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा हमने v2, और जो अपना मेन पॉइंट है सी है उसके वेलोसिटी कितना कंसीडर कर लिया हमने, बी कंसीडर कर लिया। तो देखिएगा और एक्सीलरेशन कंसीडर कर लीजिए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट जो है कितना है ए है, और ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस एक्स मान लें। अब देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के जो इक्वेशन होते थे बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड क्या होता था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए एस, राइट। तो देखिएगा बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस अगर हम मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पर अगर ए एंड सी के बीच की बात करें तो क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ थर्ड क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, तो यहां लगाएंगे हम लोग बी स्क्वायर एल फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल कितना है बी वन स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो इनके इनके बीच की ये टोटल x है तो कितना लिखोगे x by 2, राइट। तो b1 को इधर ले आइए तो b1 माइनस मतलब b स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इक्वल टू 2 टू कैंसिल a x इक्वेशन, सॉरी नोट कर लिया, राइट। अब देखिएगा पार्टिकल c से b जा रहे हैं तो यहाँ देखिए फाइनल तो अपना ही है, लिखोगे b2 स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर b स्क्वायर b2 स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 2a x by 2, 2 2 कैंसिल हो गया और b2 स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस ax, क्या है ax यानी b2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू ax, ये इक्वेशन अपना क्या हो गया सेकंड इक्वेशन, क्या हो गया सेकंड इक्वेशन अपने लोग को मिला। अब एक बात अपने को बताइए ax ए एक्स अगर फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इसमें यह है एल एच एस एन ए, तो देखिए इसका आर एच एस दोनों का सेम है तो यानी एल एच एस इक्वल ही होगा यानी बी स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर इक्वल टू कैलकुलेटर बी टू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब इसको आप इधर ले आइए तो हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, राइट। अब बताइए b इक्वल टू क्या लिखोगे b इक्वल टू अंडर रूट b1 स्क्वायर, और एक बात बताइएगा b स्क्वायर और एक b इधर आगे कितना हो गया 2b स्क्वायर, तो हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अपॉन 2, ये मिड पॉइंट का वेलोसिटी मिला, मिड पॉइंट का वेलोसिटी क्या मिला b इक्वल टू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बाय 2। तो देखिएगा ऐसे सब काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि छोटे छोटे एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो कुछ करना नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन के कांसेप्ट को क्लियर करना है कैसे अप्लाई होंगे इनके फंडे। तो देखिए मैंने तो ज्यादा टफ की तरफ नहीं गया, अभी तो हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल कर रहे हैं, बट जो मेन्स है नीट है जे मेन्स में ऐसे सब भी आ जाते हैं बट इतने इजी भी नहीं आएंगे, उसमें आपको डिटरमाइन करना होगा क्या डाटा गिवन है क्या नहीं गिवन है हाउ कैन वी अप्लाई इट कौन सा फार्मूला यूज करें, तो नो प्रॉब्लम मैं आपको एक ऐसा आइडिया भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सके इजीली जो सम आजकल आ रहे हैं, ठीक है, बाय।